सो गाइस 3 दिन बचा है एंड उसके बाद जो लिस्ट होगा रिटेंशन का वो हमारे सामने आ जाएगा। इस वीडियो में अभी तक जितने भी प्लेयर्स रिटेन हुए उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अभी कुछ नए प्लेयर्स रिटेन हो चुके हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो वापस से चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। तो महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा एंड गायकवाड़ ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं। डाउट बस एक प्लेयर को लेकर है, मतलब वो चौथा स्लॉट है अभी भी खाली है। वहां पे 3 ऑप्शन है, मोइन अली, फाफ डू प्लसिस एंड सैम करन का। सबसे ज्यादा चांसेस अली के हैं। अगर अली नहीं आते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स करन के साथ जाएगा ऐसा पता लग रहा है, और मे बी डू प्लसिस के साथ जाए। आगे चले तो दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर्स के नाम यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं, जो कि है ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल एंड एनरिक नॉर्थजे। जैसा प्लेयर्स का फॉर्म है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगली टीम है यहाँ पे मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के रिटेंशन है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड, और चौथा रिटेंशन अभी कन्फर्म नहीं है बट लाइकली वो ईशान किशन होने वाले। आगे चले तो अगली टीम है यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेंशन होने वाले हैं सुनील नरेन, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती का भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, एंड चौथा रिटेंशन डाउट है थोड़ा सा वेंकटेश अय्यर एंड शुभमन गिल के बीच, बट ज़्यादा चांसेस अभी वेंकटेश अय्यर के लग रहे हैं। आगे चले तो अगली टीम है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं किया था। तो राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पे संजू सैमसन को 14 करोड़ में रिटेन कर लिया है। वापस से संजू सैमसन को ऑफर दिया कि आप हमारे कैप्टन बनो एंड सैमसन ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। बट लेट्स सी ये कितना सही होता है, बिकॉज हमें तो यही सुनने को मिल रहा था कि संजू छोड़ेंगे, बट वापस से कैप्टनशिप ऑफर किया तो मे बी संजू सैमसन ने उसको ग्रैब करना चाहे एंड ग्रैब कर भी लिया। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा बात करें गाइस सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, तो एक बहुत बड़ी अपडेट पता लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद राशिद खान एंड विलियमसन दोनों को रिटेन करना चाहता है। लेकिन राशिद खान का ये कहना है कि मैं आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, आप मुझे सबसे पहले रिटेन करो। उससे ऐसा होगा कि अगर राशिद को पहले रिटेन किया जाता है तो उनको 15 करोड़ मिलेगा, लेकिन हैदराबाद सबसे पहले केन विलियमसन को रिटेन करना चाहता है। अब अगर ऐसा होता है कि राशिद को सेकंड रिटेन किया जाता है तो उनको 11 करोड़ मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ का डिफरेंस, जो कि राशिद नहीं चाहते हैं एंड वो उससे एग्री नहीं कर रहे। तो अभी यही पता लग रहा है कि हैदराबाद प्रोबेबली होल्ड नहीं कर पाएगा, राशिद खान को नहीं रिटेन कर पाएगा एंड मे बी उनको सिर्फ और सिर्फ केन विलियमसन के साथ जाना पड़ेगा। बट लेट्स सी, अगर नेगोशिएट सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब ने राहुल को रिलीज़ कर दिया, आप सभी को पता होना चाहिए। एंड अभी पंजाब का ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, मे बी पंजाब किसी को ना रिटेन करे, ये भी खबर निकल के आ रहा है। इसके अलावा आई गेस एक और टीम बची, अब ये टीम कौन सी है, बैंगलोर की है मे बी। तो बैंगलोर के रिटेंशन आप सभी को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैक्सवेल एंड विराट ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। दो रिटेंशन की बात करें तो पता ये लग रहा है कि यूजी चहल एंड जैम्पा में से किसी एक को किया जाएगा और देवदत्त पडिक्कल होंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो ये करंट अपडेट है, कल देखते हैं कि कितने सारे प्लस रिटेन हो जाते हैं, रात को मैं अपडेट कर दूंगा वापस से। एंड अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही दौड़ा है। आपको जेब तो अच्छी लगी होगी तो चो कमेंट्स में लेकर बताइए कैसे लगे, आप कुछ लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मुझे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।